बस बस थामो 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 फूगा लगा दिया है उसने। थोड़ा वर ऊपर 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 घे से रुपया वरती थोड़ा वरती घे रुपया वरती घे ना फुगे लावले होत नाही रे फुगे लावले आहे त्यांनी अरे कशाला अरे वारे अरे वर घे अरे पूरा फुगेला रुपया आम्ही नको बच्चा हाथ में बच्चा हाथ में चलो बाकी लोग चलो चलो हट जाओ अभी बाकी लोग साइड पे चलो चलो उठा 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 चलो चलो निकलो चिटका पूरा चिटका ना रुपया क्या कर रहा है इधर था वो ये था मैं काम रे यार बच्चा हाथ में बच्चा हाथ में चलो बाकी लोग चलो चलो हट जाओ अभी चलो चलो उठा 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 चलो चलो मित्रों चिटका पूरा चिटका ना रुपया क्या कर रहा है इधर था वो ये कैमरा पकड़ ये था मैं पकड़ कट कट जल्दी काम रे अरे अरे यार दो मिनट साहब कांग्रेचुलेशन सर आगे का यार दोस्त ये काम कर सॉल्यूशन आनंद सर चल सागर ये भाई दोनों हाथ में लो लो। आज के वीडियो में आपको सोनम कपूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनम कपूर रिसेंटली क्यूट से बेबी बॉय की मदर बनी है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने अपने फैंस फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ये न्यूज शेयर की और उन्होंने अपनी न्यूज में लिखा कि वो पेरेंट्स बन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो ये भी जानते हैं कि उनकी आने वाली लाइफ अब हमेशा के लिए चेंज हो गई है, बट वो इस न्यू आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आपको बताते चलें कि सोनम कपूर अब अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। जी हाँ, सोनम कपूर का बेटा और सोनम कपूर खुद बिल्कुल ठीक हैं, दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं और दोनों अब घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने भी सोनम कपूर के बेटे के लिए एक बहुत ही क्यूट सी पोस्ट शेयर की थी और साथ में उन्होंने अपनी सोनम कपूर की मदर की और उनके बेबी की एक पिक्चर भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पहली बार इस बंडल ऑफ क्यूटनेस को देखकर रो पड़ी थी और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और उन्होंने सोनम कपूर को ब्रेव मॉमी और आनंद आहूजा को स्ट्रॉन्ग और केयरिंग डैड कहा। आपको बताते चलें कि सोनम कपूर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और वो सीधा अनिल कपूर के घर पर ही जाएंगी और वो वहां पर पोस्ट डिलीवरी 6 to 7 months यहीं इंडिया में ही गुजारने वाली हैं। इसके बाद वो लंदन जाएंगी अपने बेटे को लेकर, लेकिन फिलहाल वो अपने घर में अनिल कपूर अपनी फैमिली के साथ रहने वाली हैं, जहां पर वो अपने बेबी के साथ अपनी बेबी के लिए कुछ समय गुजारना चाहती हैं और वो इस समय काम से भी ब्रेक ले चुकी हैं। उनका कहना है कि वो ये 6 to 7 months अपने बेबी के साथ बिल्कुल गुजारेंगी और इसके बाद वो अपना काम वापस स्टार्ट करेंगी और तभी वो लंदन को वापस जाएंगी। आपको सोनम कपूर के क्यूट से बेबी के बारे में जानकर कैसा लगा और आप सोनम कपूर को उनके बेटे के लिए कोई नाम एडवाइस करना चाहें तो हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।